प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले अपना प्यारा सा साथ देते हुए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करके हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य प्रदान करें। तो आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उक्त जानकारी गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बताया गया कि सभी साइबर अपराधी गर्भवती महिलाओं को मातृत्व राशि लाभ दिलाने, एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्रा ऐप के जरिए ठगी करने, फर्जी बैंक अधिकारी बनकर ठगी करने के अलावे अलग अलग फर्जी तरीके से लोगों को ठगने का काम करते थे। इन सभी साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 19 मोबाइल, 23 सिम कार्ड, एक एटीएम कार्ड तथा 5 बाइक और 2,19,000 रुपए नकद बरामद किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के कोलडीह निवासी पवन कुमार राणा, गांडे थाना क्षेत्र के भरकुंडा निवासी मोहम्मद शमशाद अंसारी, भरकुंडा के ही सजाद अंसारी, गांडे थाना क्षेत्र के सज्जाद अंसारी, गांडे थाना क्षेत्र के गुलजारी निवासी सलामत अंसारी, बुढ़ई के झिलुआ निवासी सच्चिदानंद कुमार मंडल, उत्तर प्रदेश के खड़गपुर थाना क्षेत्र के झरी कुआं निवासी दीपक वर्मा, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महदैया निवासी नितेश कुमार और पंकज कुमार मंडल, अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के पिपरा सिंघा निवासी मुकेश मंडल, गांडे थाना क्षेत्र के रसकुट्टो निवासी निर्मल कुमार मंडल, ताराटांड थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर मोड़ निवासी रुपेश मंडल और क्षेत्री निवासी सोहन मंडल शामिल हैं। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी संबंध में सूचना मिली और प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि कुछ साइबर अपराधी गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं। इसी योजना को ध्वस्त करने के लिए और डीएसपी साइबर के नेतृत्व में डीएसपी प्रोबेशनर के साथ में टीम बनाई गई और टीम के द्वारा छापामारी की गई और छापामारी के क्रम में गिरिडीह जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 12 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से अभी तक 19 फोन सेट, 33 सिम, एक एटीएम कार्ड और 5 मोटरसाइकिल तथा नगद 2,19,000 रुपये की बरामदगी की गई है तथा इसने कन्फेस किया है कि ये मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर 6,300 रुपये का जो एक मातृत्व लाभ राशि सरकार देती है उसके लाभ दिलाने के नाम पर ये ठगी करते थे तथा और अन्य माध्यमों से ये जो है रैंडमली सीरियल किलिंग कर बैंक के फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ओटीपी और पासवर्ड प्राप्त कर उनसे भी ठगी करते थे तथा एयरटेल पेमेंट बैंक के मित्रा ऐप के माध्यम से भी लोगों का ई वॉलेट के नंबर प्राप्त कर उन्हें कॉल कर उनके पैसों की ठगी करते थे। इस प्रकार अभी तक लगभग गिरिडीह जिला में लगभग 82 से भी अधिक अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।